हुआ। इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवत को कई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्यों वो सृष्टि की मूल कैसे शुरू हुआ। इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवत को कई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्यों वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्हें राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंवत ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक की सूर्य देव भगवान की पूजा की थी।